मैं जानता हूँ तुम सोच रही होगी कि मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो टाइम ज़ाया करने पर यकीन नहीं करते। I don't know what to say. तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? हाँ, मैंने सोचा तुम्हारा मूड अच्छा होगा तो कह दूंगा। वैसे भी रिस्क तो लेना पड़ता है, I mean, जैसे बिजनेस में रिस्क लेते हैं। कोई चाहता ही नहीं ना कि हम खुश, ना मेरी माँ ना उसकी। क्या एक काम कर फाद, अपना फोन निकाल और उसको फोन मिला और उसको बता कि मैं उससे शादी क्यों कर रहा हूँ। यही चाहता है ना तू? नहीं तो बार बार मेरे मुंह पे रब क्यों करता है कि मैं अपने बाप की वसीयत में फंस के मजबूर होके ये शादी कर रहा हूं। मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली, जाने ना। मालिक मकान रोज चक्कर लगा रहा है। बानो ने पिछले महीने जो मुझे पैसे दिए थे सारे खर्च हो गए। अब 2 महीने का किराया चढ़ गया। क्यों खर्च हो गया अम्मी? मेरा कोई और ठिकाना तो है नहीं, इसी घर में खर्च करती हूँ मैं। बानो से बोलो कि 10,000 दे मुझे। कैसे कह सकती हूँ मैं उसे, पहले इतनी परेशान है वो। क्यों, अब क्या परेशानी है? वो नहीं आया, बात खत्म। कौन? वही लालची, हाथ छुड़ाकर भाग गया ना। जो बेटियां माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं करती ना, उनके साथ ऐसा ही होता है। इन बारों ने कुछ गलत नहीं किया है, बस इनकी शादी करना गुनाह थोड़ी है। हमने कदर नहीं किया बानो की। कदर तो उस तलाल ने नहीं की जिसकी वजह से हम सबको छोड़कर जा रही है। पूरे 10,000 मिले। ये पैसे कहाँ से आए? वो जो मेडल मिला था ना तुम्हें कॉलेज की तरफ से, मार्केट गई तो बेच दिया। अम्मी, मेडल्स बेचे नहीं जाते हैं। तो फिर क्या करती, कहां से भरूं किराया? अभी भी 10,000 कम है, इसीलिए कह रही हूँ बानो से बोलो 10,000 दे दे। इस हाल में मैं नहीं कह सकती उसे। बहुत बड़ी नाक है तुम्हारी, कमा कर लाओ तो जानो। सर उनके फोन आ रहे हैं, जल्दी कुछ करें, अगर पेमेंट नहीं की तो वो लोग ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। फाइल भी रिकवर भी देख रहा हूँ। यस सर। वो पीए कहाँ है जो आनी थी? उसे बुलाओ, मैं फाइल लेकर आता हूँ। हेलो हेलो बंसल अंकल, ये सब कुछ मैं क्या सुन रहा हूँ? आप क्या चाहते हैं, मैं बार बार आपको फ़ोन करूँ, आपसे रिक्वेस्ट करूँ? अपनी चीज के लिए किसी को रिक्वेस्ट क्यों करोगे? वो करो जो विल में लिखा है। मैं कर लूंगा शादी, लेकिन फिलहाल मुझे ये रकम चाहिए। मैं आगे कमिटमेंट कर चुका हूँ, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी कंपनीज अपनी डील्स कैंसिल कर रही हैं, और अगर ऐसा होता है तो मार्केट में हमारे डिजाइन की वैल्यू 0 हो जाएगी। आप जानते हैं कंपनी को कितना बड़ा लॉस होगा, प्लीज कुछ करें। मैंने तुम्हें मना किया था, बगैर सोचे समझे इतने बड़े वेंचर में मत पड़ो। अंकल, डैड मुझे बहुत मुश्किल जगह पे बिठा के चले गए हैं, और आप उसको मजीद सिर्फ मेरे लिए मुश्किल बना रहे हैं। तुम अपनी मुश्किलें खुद बढ़ा रहे हो बासित। मैं कह चुका हूं मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। What? Who are you? सर मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। सर ये आयशा आपकी नई पी है। ये मैं डिसाइड करूँगा, तुमने। जी सर, ये इंटरव्यू के लिए आई हैं। पहले कहीं काम किया? नहीं सर। So, no working experience? नहीं सर, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं क्वालिफाइड हूँ। क्लास में टॉपर थी, मुझे स्कॉलरशिप भी ऑफर हुई थी। लेकिन बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। सर मैं समझ सकती हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्सेल करना चाहती हूँ,
और मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी सर। सर मेरी फैमिली में एक फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। आप बस मुझे एक मौका दे दें, मैं ही काम कर सकती हूँ सर। ठीक है, मुझे अपनी टीम में लाइक और मेहनती लोग चाहिए, और अगर तुम्हें लगता है तुम ये कर सकती हो, टेक 3 days, इन फैक्ट 7 days, बट इफ यू कांट डू इट, वी शेक हैंड्स विदाउट एनी नोटिस। यस सर। कीप दैट नोट इन जवाद। यस सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अम्मा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दिया। मुझे नहीं पता था तुम्हारी बहन इतनी खतरनाक है। कोई खतरनाक नहीं है वो, अम्मा की नज़र में सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश करती है। अच्छा तुम मुझे आयशा का नंबर दो, मैं उससे बात करके देखता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है उसकी मिन्नतें करने की, मैं देख लूँगी खुद। मुझे बताओ गिफ्ट में क्या लिया। मिलोगी ना तो खुद देख लेना। मुझे तो सोने की चेन चाहिए। हाँ हाँ मिल जाएगी सोने की चेन, तुम पहले मिलो तो। वैसे तुम मुझे देखे बगैर रह नहीं पाते। नहीं। अजीम भाई 10,000 रख लें, बाकी पैसे मैं एक दो दिन में दे दूंगी। ये क्या कर रही हो तुम? एक मकान के किराए के लिए क्या मैं चार चार चक्कर लगाऊंगा? तो फिर चल चुका आदमी का कारोबार, मुझे पूरे पैसे चाहिए आज अभी और इसी वक्त। अजीम भाई आए हैं किराया लेने। अजीम भाई बस एक दिन रुक जाए। 2 महीने का किराया, 1 महीने का एडवांस, अगर पैसे हैं तो ठीक है, नहीं तो मकान खाली कर दो फौरन। अजीम भाई ऐसे तो ना कहें, इतने पुराने किराएदार हैं हम आपके, मैंने आपसे कहा ना मैं खुद देने आ जाऊंगी एक दो दिन तक। देखो मैं तुम्हें एक बात पहले से बता दूं, दो पार्टियां एडवांस लिए मेरे पीछे घूम रही, अगर पैसे टाइम पर नहीं पहुंचे तो अजीम जिम्मेदार नहीं होगा, ये मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बेटी मुंह नहीं लगा रही, साथ बैठकर खाना नहीं खाती, जैस मैं कैसे समझाऊं उसे? तुम्हारे अब्बा के मरने के बाद ऐसी बेबस और मोहताज हो गई हूं मैं कि एक एक पैसे के लिए मुझे बेटियों का मुंह देखना पड़ता है। शर्मिंदगी अलग, अल्लाह कभी किसी का मोहताज ना करे। हम बानों के मोहताज नहीं रहेंगे। ये किस खुशी में? नौकरी मिल गई। क्या अल्लाह तेरा शुक्र, वो बसात से ज्यादा नहीं। कौन है दादी? तुम अब यहां क्यों आई हो? आपकी तबीयत पूछने के लिए आई थी मैं। तुम मां बेटी आखिर चाहती क्या हो? हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? अमीम तुम्हें नहीं बताया मैंने इसकी माँ आई थी तुम्हें रोकने के लिए और इल्जाम लगा रही थी तुम पर कि तुम इसे वरगला रहे हो उसके खिलाफ और छुपके निकाह करना चाहता है। अरे तुम्हारी माँ ने मुझे मरने के दर पे कर तो दिया है, अब क्यों तुम इतनी मासूम शक्ल बना के कौन सी नई चाल चलने आई हो? अम्मी बस करें, आपको डॉक्टर ने मना किया स्ट्रेस लेने से। कितनी अजीब सी बात है ना कि माँ आके दिल जख्मी करती है और बेटी मरहम रखने चली आती है। इकलौते बेटे को मेरे छीनना चाहती हो तुम लोग, मारना चाहती हो मुझे? अम्मी गुस्सा मत कीजिए प्लीज। क्यों गुस्सा ना करूं? क्या समझ रखा है इन लोगों ने, हम इतने गिरे पड़े कि जब ये कहेंगे हम इनके पीछे चल पड़ेंगे? बस कीजिए, टेंशन मत लें, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। जाओ जाके कह दो अपनी माँ से रोक लिया है मैंने अपने बेटे को, अब ढूंढ ले तुम्हारे लिए कोई नया दूल्हा, तलाल अब तुमसे निकाह नहीं करेगा, छोड़ दो तुम इसका पीछा। क्या कर रही है, तबीयत खराब हो जाएगी, डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया ना आपको। अब जाओ, जाती क्यों नहीं हो? वरना मैं तुम्हारे घर आकर ना तुम्हारी माँ को 100-100 सुनाऊंगी कि अपनी बेटी तो काबू में है नहीं और मेरे बेटे पे इल्जाम लगाने चली आती है वो। नहीं करे घर तलाल तुमसे शादी। अच्छा ना ठीक है बस करें, अब बानो तुम जाओ यहाँ से। अम्मी की तबीयत वैसी बड़ी मुश्किल से ठीक हुई है, प्लीज जाओ जाओ।
रोक लिया है मैंने अपने बेटे को, अब ढूंढ ले तुम्हारे लिए कोई नया दूल्हा। तलाल अब तुमसे निकाह नहीं करेगा, छोड़ दो तुम इसका पीछा। बानो तुम जाओ यहां से, जाओ। बानो ऑफिस गई थी, मालिक मकान चार चक्कर लगा चुका है, किराया मांग रहा था और उसने धमकी भी दी है कि अगर मैंने उसे पैसे ना दिए तो वो हमारा सामान उठाकर बाहर फेंक देगा। घर का सारा राशन भी खत्म हो गया, आटा दाल चीनी कुछ भी नहीं है। बानो अगर बेटा पैसे मिल गए हैं तो मुझे दे दो। कुछ नहीं है मेरे पास अब देने के लिए कुछ नहीं है। मेरा सब कुछ आपने छीन लिया मुझसे, मेरा मान, मेरी मोहब्बत, मेरी खुशी, तलाल को छीन लिया मुझसे आपने। क्यों, क्या कसूर है मेरा? क्या मैं अच्छी बेटी नहीं थी? मैंने हर दुख में आपका साथ नहीं दिया, तो फिर क्यों आपने अपने सारे दुख मुझे दे के मेरी सारी खुशियां छीन ली? क्यों, क्या मिला ये करके आपको? बानो बानो क्या छीन लिया तुमसे? क्या अल्फाज बोले जा रही है मेरी बच्ची? मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। हुआ क्या है? आपको नहीं पता क्या हुआ है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इश्क में बिल्कुल अंधी हो गई हो तुम? अरे तुमसे चार पैसे क्या मांग लिए, तुम मुझे सुनाने बैठ गई? सुनेंगे भाई हम, खामोशी से सुनेंगे। तुम्हारी कमाई पर पल जो रहे हैं सहना भी पड़ेगा। जब नियतों पर से पर्दा उठ जाए ना तो लहजे से लिहाज उठ जाता है। आपने तो मेरी मेरी कमाई को मेरे लिए अजाब ही बना दिया। मेरा सब कुछ छीन लिया आपने। अरे क्या छीन लिया तुमसे? मेरे तलाल को, मेरी खुशियों को। क्या था जो आप इज्जत के साथ मेरा हाथ तलाल के हाथ में दे देती? ये मैंने ही सोचा कि इन हाथों ने हमेशा आपको दिया है। आपने मुझे जिंदगी से मिलने वाली मेरी वाहिद खुशी भी मुझसे छीन ली। क्यों, सब कुछ मिलने पर भी आपको कम पड़ता है ना? कम पड़ता है ना? ये ले, ये ले, ले, नहीं ये ले, आप ये भी ले, ये ले, ये ले, ये ये सब कुछ ले लीजिए। इसमें जो कुछ है सारे पैसे जो बचे हैं ना सब ले लें आप। आप चाहती थी ना तलाल दूर हो जाए मुझसे, हम कभी एक ना हो पाए, हमारी शादी ना हो पाए, यही चाहती थी ना आप? आप कामयाब हो गई हैं, मुबारक हो आपको। छीन लिया आपने मुझसे मेरा तलाल, कर दिया उसे दूर, मेरे हाथों उसकी लकीरों से छीन लिया मेरा नसीब, मेरा वक्त, मेरी खुशियां, अनोखा सब कुछ ले लिया, सब कुछ। कुछ नहीं है मेरे, खाली दामन है, खाली हाथ, खाली दिल, अनोखा के पास कुछ नहीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार, मेरा मूड बहुत खराब हो रहा है, दो चार वापस कर जाऊँ। चिल कर यार, शी मस्ट बी वेरी हैप्पी। वैसे ये पार्टी है किस खुशी में? बोल के तो ये बुलाया था कि मुझे अपने दोस्तों से मिलवाना है,
लेकिन आई डोंट नो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तुझे इस बात पर एतराज है कि वो लोगों के गले क्यों मिलती है? आजकल ऐसे ही मिलते हैं यार, और इसके अलावा कोई बुराई भी नहीं उसमें। खूबसूरत है, मिलनसार है, सबसे बढ़ के तेरे बाप के बेस्ट फ्रेंड की बेटी। मैं तेरी जगह होता ना, आंखें बंद करके शादी कर लूं। काश तू मेरी जगह होता, काश। But to be honest, this is not my wife. मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं इसको प्रपोज कर चुका। तू खामखा टेंशन ले रहा है। ये शादियां, ये पार्टियां, ये दोस्तियां, ये सब शादी के बाद छूट जाता है। Ladies and gentlemen, attention please. I have a very important announcement to make. मुझे ये नहीं लगता था कि मेरी जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा शख्स आएगा जो इतना स्पेशल होगा कि मैं उसे पूरी जिंदगी के लिए चुनूंगी। मिलाखिर वो आ गया है और इसने मेरा दिल जीत लिया है। मैं चाहती हूं कि पूरी जिंदगी अब मैं उसके दिल पर राज करूं। I'd like you all to meet Mr. Basit Salman Khan. मैं चाहती हूं कि तुम सबके सामने आकर मुझे रिंग पहनाओ। क्या हुआ, इरादा बदल गया? नहीं, मैं एक बार जो इरादा कर लूं तो बदलता नहीं। तो तुम खुद अपने कानों से सुन चुकी हो। उस दिन हमारे निकाह वाली बात खाला ने आके अम्मी के सामने कही थी, मुझे रोकने के लिए आई थी। और अम्मी मुझे रोकने की कोशिश में, उसी बहस में हॉस्पिटल पहुंच गई। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे। हेलो बानो। सुन रही हूँ। कुछ कहोगे नहीं? क्या कहूँ, खाला ने अच्छा नहीं किया। इससे ज्यादा वो कर भी क्या सकते हैं हमें जुदा करने के लिए। बानो, मैंने सोच लिया है कि हमें ये जिद छोड़ देनी चाहिए। अपनों की खातिर, उन्हीं अपनों की वजह से तो ये रिश्ते। मैं अपनी माँ को तकलीफ नहीं दे सकता बानो, ना ही उन्हें छोड़ सकता। मैं ही उनका आखिरी सहारा। हमें अपनी अपनी जिंदगी में वापस चले जाना चाहिए। बेहतर होगा कि हम भूल जाए दूसरे को, भूल जाए दूसरे को, भूल जाए दूसरे को, भूल जाए दूसरे। बस आपको मिलने आए थे। इनफैक्ट अब मैं चलता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो ड्राइवर को मैंने पहले भेज दिया था तो उसे भी वक्त लगेगा आने में। तुम्हें हो क्या गया?
कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैं चाहता हूँ कि बस हम लोग जल्दी शादी कर लें, दैट्स इट। और तुम ऐसा क्यों चाहते हो? किस बात की जल्दी है? मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली, जाने ना। बानो, सब बानो खोलो ना, बात तो सुन लो। बानो तो अच्छा मैं समझ। बानो 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 आंखें खोलो। बानो अम्मी अम्मी बानो आंखें खोलो प्लीज। अम्मी अम्मी बानो आंखें खोलो। बॉबी बाबा बानो प्लीज उठो। फूल जैसी बच्ची, पता नहीं अपने दिल में कब से क्या बोझ लिए बैठी थी। क्या बुरा किया था उसने? सिर्फ अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी ना। मुझे भी अपनी बातों में उलझा दिया तुमने। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ खुदसिया भाभी। वो भी पप्पा, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। यही वक्त है। खुद सोचो आयशा, मेरे मरहूम भाई की रूह को कितनी तकलीफ पहुंची होगी जब अपनी बेटी को इस हालत में देखा होगा, और इस सब भाभी की कठोर दिली की वजह से हुआ है। सर भाभी पप्पा बस, ये वक्त नहीं हमें मजीद परेशान करने का। अगर आप लोग थोड़ी देर और कर देते तो मरीज की जान को खतरा था, मगर अब घबराने की कोई बात नहीं, हमने उनका स्टमक वॉश कर दिया है। मरीज को होश आ जाए तो आप उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। ये वक्त नहीं। बहुत मुबारक हो इम्तियाज भाई। जी भाभी, आपको भी बहुत मुबारक हो। बस दिल में एक फांस थी, आज वो भी निकल गई। दिल से फांस निकल जाए कैसा लगता है, मैं भी महसूस करना चाहता हूँ। अरे बासित, क्या हाल है? कांग्रेचुलेशंस, आज तुमने सलमान की ख्वाहिश पूरी कर दी। ये सब क्या? मिठाई। तुम दोनों की बात पक्की होने की खुशी। आपको कैसे पता चला? हम तो अभी आए। अरे वो सोहा ने मुझे बताया था ना, इसलिए। सोहा ने बोला आपसे मिलते चलते हैं, तो बस that's why we're here। बहुत अच्छा किया तुमने। आप आए तो खाना खा के जाना। आओ बैठो। नहीं, खाने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने खाया खाना? बस आपको मिलने आए थे। इनफैक्ट अब मैं चलता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो ड्राइवर को मैंने पहले भेज दिया था, तो उसे भी वक्त लगेगा आने में। फिर जरूर आना। चलो फिर मिलते हैं। लुक आफ्टर योरसेल्फ। थैंक यू आंटी। खुदा हाफिज़। Are you happy now? I am. I'm happy. Good.
You know, I really like Soha. शादी बहुत बड़ी कमिटमेंट है, मुझे पूरा यकीन है तुम इसे बहुत अच्छे तरीके से निभाओगे। वैसे बच्चे पालना भी एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है ना? आपने निभाया था? अपना हक, अपना फर्ज। पता नहीं क्यों आप ये बातें करती हैं, मुझे और अजीब सा लगता है। हाँ माँ, होश आ गई बानो को? डॉक्टर कह रहे हैं कि आ जाएगा होश। इन डॉक्टरों के पीछे सारे पैसे खर्च हो गए इलाज पर, इतनी मुश्किल से किराए के लिए जमा किए थे मैंने। अम्मा मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ खुशिया भाभी, हमारा भी नींद से बुरा हाल हुआ हुआ है, मानो को होश आ जाए तो फोन कर देना। तुम भी जाओ, जाओ घर, सुबह ऑफिस जाना, जाओ जाओ भाई। मुबारक हो, मंगनी होगी तेरी फाइनली। फाद मुबारक तू मुझे ऐसे दे रहा है जैसे मैं कोई लड़की हूँ और मेरी शादी की उम्र जा रही थी। वैसे उम्र तो जा रही थी नहीं। अच्छा शादी कब है? शादी जल्दी करनी है ना, रिमेम्बर योर प्लान। इसीलिए तुझे बुलाया, समझ ही नहीं आ रही फौरन शादी को बोलूंगा कैसा रिएक्ट करेगी। अब उसके रिएक्शन का सोच कर वक्त बर्बाद मत कर, सीधा सीधा बोल दे तुझे शादी करनी है। वही सोच रहा हूँ, पता नहीं कितना टाइम लेगी, शादी करेगी भी कि नहीं। तू सुहा के फादर से बात कर, मतलब लड़की के बाप की भी तो रजामंदी जरूरी होती है। राजी तो वो है, पर तू ठीक कह रहा है, मुझे डायरेक्ट इम्तियाज अंकल से बात करनी चाहिए। बट सुहा से पहले बात करनी है। हमजा साहब, मैं आपको फाइल भेज रही हूँ, आप बस एक दफ़ा देख लें और फिर वासी सर को खुद दे दें। जी। ये वासी सर को देनी है, उससे पहले हमजा सर को देनी है, अभी दे दें प्लीज़। शुक्रिया। वो हेलो, वन सेकंड। आप How's the coffee? Good. अरे मैं कहाँ से लाऊँ पैसे? किसी से उधार मांग लो, बिल की आखिरी तारीख है कल। किससे मांगू? अपने बॉस से क्यों नहीं कहती? अच्छा मैं कुछ करती हूँ। सैटरडे को पोलो मैच है, सारा और सब आ रहे हैं तुम्हारे। आयशा, आई थिंक आपको अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए। सर वो आपने कॉल की थी? जी मैंने कॉल की थी, लेकिन आपका फोन बिजी जा रहा था। आप फोन पे बातें करने आती हैं? आप सर को बुला गए थे। ऑफिस में ऑफिस का काम किया करें और अपनी पर्सनल बातें घर पे किया करें। जी सर। मैंने आपसे डेट शीट मांगी थी फाइल के साथ, वेयर इज इट? सर वो मैंने उसी वक्त ईमेल कर दी थी। ओके, आप जा सकती हैं। खाम खा बेचारी को डांट लिया यार, मतलब बंदा शक्ल का ख्याल कर लेते। कोई बेचारी बेचारी नहीं है, ये औरतें ही मेरी जान का बवाल है। किसी से उधार मांग लो,
बिल की आखिरी तारीख है कल। अपने बॉस से क्यों नहीं कहती? इट्स अ शॉर्ट कोर्स, 6 महीने की बात है, फिर वापस आ जाऊंगी, कर लेंगे शादी। Yeah, but how can you just break it to me like that? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले कब बताती? तुम्हें पता था मैंने अप्लाई किया हुआ था। Admission हो गई, so I'm telling you now. As if you know, I always wanted to study art and culture in Europe. वहाँ की best university में admission हुआ है मेरा। I really want to go. तुम समझ नहीं रही हो सुहा। ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? अभी तो हमारी मम्मी हुई है। तुमने ऐसी शक्ल बना लिया जैसे मैं वापस नहीं आऊंगी। मंगनी के बाद कुछ ज्यादा ही पजेसिव नहीं हो गए तो? हाँ हो गया। So what? मंगनी हो गई है हमारी। और in fact तुम्हारे जाने से पहले हम लोग निकाह कर लेते हैं। Why not? तुम्हें हो क्या गया? कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैं चाहता हूँ कि बस हम लोग जल्दी शादी कर लें। That's it. और तुम ऐसा क्यों चाहते हो? किस बात की जल्दी है? क्योंकि हम मंगनी कर चुके हैं और हमें एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए। और तुमने ही कहा था कि हमें साथ वक्त गुजारना होगा, एक दूसरे को जानना होगा। सो व्हाई नॉट? और मेरे लिए सबसे बढ़ के पापा की ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश? उसकी परवाह नहीं है तुम्हें। सुहा देखो, हम इस वक्त शादी कर लेते हैं, तुम उसके बाद आराम से चली जाना। In fact, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा if you want. तुम क्यों साथ चलोगे मेरे? क्यों? तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। बस मैं अकेली जा सकती हूँ और तुम मेरा इंतजार कर सकती हो। And I think we should end the discussion here. अस्सलामुअलैकुम। वैसे मुझे अपना ये फोन बेचना है, इसकी क्या कीमत लगेगी? मेरी मासूम सी बच्ची, मेरी बानो, इसके दिल पर क्या गुजर रही है किसी को कोई एहसास ही नहीं। मगर मैं जानती हूं तुम्हारे दिल में कैसे हौल उठे, मुझे सब पता है बानो। बस कर दें बॉबी पुप्पो, ओवर एक्टिंग की हद होती है। आग लगाने की जरूरत नहीं है, बानो बाजी अब बिल्कुल ठीक है। तुम तो चुप कर जाओ नठल्ली कहीं की। अगर तुम तीनों को इसका एहसास होता ना तो आज ये इस हाल में ना होती। और अपनों की ही बेकदरी होती है जो इंसान के दिल पर छुरी की तरह वार करती है। बॉबी पुप्पो की बातों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, इनकी तो आदत है अम्मा के खिलाफ बातें करने की। सदा मुस्कुराती रहो, खुश रहो और परेशान मत हो, तुम्हारी फूफी तुम्हारे साथ है। मैं कुछ खाने के लिए जा रही हूँ, आपके लिए भी लेती आऊंगी। ये सुनो, जल्दी आना और मेरे लिए भी मिल्कशेक लेती आना। Thank you.
कर ली यार? कर आई हूँ, जल्दी चलो कोई देखेगा। She's not an easy girl यार, बहुत नखरे हैं उसके। सांस भी लेती है तो लगता है मुझ पे एहसान कर रही है। तो शादी कर रहा है, नखरे तो खाने पड़ेंगे। और अभी तो तेरा अपना काम फंसा हुआ है, और वो जो कहेगी तुझे मानना भी पड़ेगा। मुझसे नहीं होता यार ये सब कुछ, मैं मिन्नत ही नहीं कर सकता फार। कभी कभी ना मर्द को अपनी ईगो से थोड़ा नीचे आके औरत को मनाना पड़ता है। बकवास बात, एक मान तो गई है ना वो। नहीं मानी है, आई मीन मान गई है शादी के लिए, जल्दी शादी के लिए नहीं मानी। She wants to go abroad. जाने मत देना, सारे की एक किराए पे पानी फिर जाएगा, अभी बता रहा हूँ। तेरा फोन किधर है? तू कॉल कर अपने ससुर को और उससे शादी की बात कर। बल्कि मैं तो कहता हूँ जाके मिल ले, एक दफ़ा बैठ के शादी की डेट और डे डिसाइड कर ले। आखिर को बेटी तो उन्होंने ही रुखसत करनी है ना। कर कौन कर, कर। There's no other way. जब से होश आया मुझसे एक लफ्ज नहीं बोल। मैं पास भी जाऊं तो मुंह फेर लेती। वक्त लगेगा, अब देख रही हैं कितनी अजियत से गुजर रही है। तो मैंने कहा था मोहब्बत में मरने के लिए, और जिसकी खातिर ये सब कर रही है वो तो खुश खुरम घूम रहा है। मुसीबत से कौन दोचार है हम? किससे मांगे? मांगे नहीं, फोन बेचा अपना। बस आयशा तुम ही हो जिसे मां की मजबूरियों का एहसास। मम्मी आप घर जाए, बानों के साथ मैं रुकूंगी। तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी, तुम ठीक हो यही बस हमारे लिए सबसे बड़ी गनीमत है। तलाक लाया था? उसे किसी ने तलाक नहीं दी, उसे नहीं पता तुम यहां। कैसा फील कर रही हो? जब खुली आंखों से हकीकत नजर ना आए ना, करता है कि आंखें बंद हो और कभी ना खुले। ऐसा मत करो, तुम्हें नहीं पता हमारे ऊपर क्या गुजरी है। पर मैं तुम्हें बहादुर समझती थी, बहादुर लोग अपने आप को सजा नहीं देते ऐसे। कर बेटी माँ को भी तो सजा नहीं दे सकती ना। तलाल निकाह करने नहीं आया था क्योंकि अम्मा ने उसे रोका था। मैं ना कुछ बोली।